नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर लहंगा आणि लेडीज वेअर चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर। भारत के चंद्रयान 3 की महत्वपूर्ण सफलता के बाद सभी इसरो की तारीफ ही कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसरो का नाम बड़ा हो गया। इसी के बीच महाराष्ट्र के विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भी इसरो और भारत की सफलता पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सही सलामत उतर गया। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतर कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सही सलामत एक रोवर उतारने के भारत के सफल प्रयास ने उसे ऐसा करने वाला पहला देश बना दिया। इस महान उपलब्धि के साथ इसरो के वैज्ञानिकों को अब इस अभियान की बदौलत उस अपार ज्ञान को जानने और उसका अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जो अब तक किसी को नहीं मिला। ये चांद के वायुमंडल, जल और सतह का अध्ययन करने की संभावनाएं पेश करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत विकास और प्रगति कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में हमारे देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे देश ने की थी, जिसे अब 1969 से इसरो के नाम से जाना जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभार और उनका अभिनंदन। ये सफल लैंडिंग जो हुई चंद्रयान की, इसके लिए हम लोग पूरे देशवासी उनका दिल से अभिनंदन करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। चंद्रयान की मुहिम, ये 3 की मुहिम कोई आसान नहीं था। बहुत मेहनत, लगन और तकलीफ में इस मुहिम को फतेह करने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया। सही तो इस मुहिम को फतेह करते वक्त हम भूलना नहीं चाहिए जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने 1962 में इस देश में अवकाश संशोधन सेंटर की स्थापना की और अवकाश में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने का काम शुरू किया। सही नींव उन्होंने रखी। दोबारा स्वर्गीय इंदिरा जी ने, इस देश के माजी पंतप्रधान ने, इसरो की स्थापना 1969 में की और इसरो को और अवकाश में संशोधन को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला। हजारों वैज्ञानिक इस मुहिम में जुटे रहे और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुल मुहिम भी की। पर चांद पर मुहिम का दूर का जो खाब था, हमारे उन्होंने जो नींव रखी, उनका जो विज्ञानवादी दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वही आज सफल होते हुए दिख रहा है। तो कोई कहते हैं कि इसका क्रेडिट किसी को लेने की जरूरत नहीं, इसका क्रेडिट पूरा का पूरा हमारे इस देश के वैज्ञानिकों को जाता है, इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। और स्मरण करे बगैर इंदिरा जी का, और स्मरण किए बगैर हमारे जवाहरलाल नेहरू का इस मुहिम को फतेह किया या यशस्वी किया, ऐसा नहीं बोल सकते। उन्होंने नींव रखी और इसने इनको पूरा करने का काम इस देश के वैज्ञानिकों ने किया। मैं वैज्ञानिकों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छा। नागपुर के सुप्रसिद्ध अलजमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अलजमजम गैलेक्सी। वेज, नॉन वेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अलजमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर।
मोबाइल नंबर 9552271186 9322899635। भाजपा नेता सना खान हत्या प्रकरण को लेकर मध्य प्रदेश के विधायक संजय शर्मा से दो से ढाई घंटे बंद कमरे में पुलिस ने पूछताछ की। उपायुक्त राहुल मंदे ने कहा कि विधायक संजय शर्मा से सवाल जवाब किए गए हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से विधायक संजय शर्मा गुरुवार को सुबह सड़क मार्ग से कार द्वारा नागपुर पहुंचे। संजय शर्मा ने बताया कि अमित उर्फ पप्पू रजन लाल साहू करीब 12-15 साल पहले मेरे यहाँ काम करता था। सना खान कौन है मैं नहीं जानता, ना ही कभी उससे मैं मिला हूँ। सना खान हत्या प्रकरण में मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रकरण में विधायक लिप्त होने के सवाल के जवाब में उपायुक्त मदने ने कहा, विधायक से पूछताछ हुई है, मामला संवेदनशील होने और इसकी जांच पड़ताल जारी होने से फिलहाल कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार किया। केवल इतना कहा कि जरूरत पड़ने पर विधायक को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। विधायक से हुई पूछताछ के दौरान सना की मां मेहरून निस्सा भी उपायुक्त के कार्यालय में मौजूद थी, उन्हें भी बुलाया गया। इस मामले में दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। मेहरून निस्सा ने मीडिया में आ रही खबरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हनी ट्रैप के प्रकरण को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। सना ने हनी ट्रैप के जरिए रुपए कमाए होते तो वह आज इतनी कर्जदार नहीं होती। पुलिस की जांच पर संतोष जताते हुए उन्होंने मुख्य आरोपी को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि हिरण नदी में शव फेंका होता तो अब तक सना का शव बरामद हो गया होता। जो शव मिला है वो सना का है या किसी और का, इसका डीएनए में पता चलेगा। दोबारा डीएनए कराया गया है, रिपोर्ट आना बाकी है। संजय शर्मा यांनाही चौकशीसाठी बोलवलं होतं, या प्रकरणातील जो मुख्य आरोपी आहे अमित शाहू त्यालाही तुम्ही चौकशीसाठी बोलवलं होतं, काय चौकशी झाली, दोघांनी समोरासमोर बसून चौकशी केली आहे का? नाही, सध्या तपास सुरू आहे, त्याबद्दल जास्त बोलणं उचित ठरणार नाहीये। जे आम्हाला आवश्यकता आहे पुराव्याच्या अनुषंगाने त्या पद्धतीने आम्ही तपास करतो आहे, त्या अनुषंगाने त्यांना बोलवण्यात आलो होतो। तपास सुरू असल्यामुळे ह्या गोष्टी सांगणं उचित ठरणार नाहीये, त्यामुळे ते सांगू शकत नाही। करतायत तपासाला सहकार्य करतायत। तपासामध्ये काही धागेदोरे सापडले आहेत का? पुढच्या तपास चौकशीत आणू शकता बघू ना, ते पुढच्या ह्याच्यात तुम्हाला निश्चित दिसून येईल की काय धागेदोरे सापडतात काय, किंवा तपासाच्या अनुषंगाने पुढे आपल्याला सांगण्यात येईल। इसी दौरान एक बीजेपी के आमदार भी आए थे सर आपके ऑफिस में, त्या अनुषंगाने आपण सर्वतोपरी हे करतोय। आणखीने आपली टीम सध्या जबलपूरमध्ये आहे, त्या अनुषंगाने आपण तपास करतोय, डीएनए सॅम्पलिंग कलेक्ट करतोय, त्यामुळं निश्चितच आमच्याकडून 100% त्यामध्ये प्रयत्न केला जातोय, निश्चितच आम्हाला यश येईल। सर आईचं म्हणणं आहे की या प्रकरणामध्ये हनी ट्रॅपचा विषय जो आहे तो काही नसताना जाणीवपूर्वक गोवला जातात, तिचं आईचं म्हणणं आहे? नाही, फिर्याद जर बघितली तर त्या सनाकांत स्वतः त्याच्यामध्ये व्हिक्टीम आहेत, त्यामुळे आता त्या दृष्टीने आता एवढंच बोलणं शक्य होणार नाहीये, कारण त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे। रोल मैं माँ जा रहे थे, आप आज आप यहाँ पे पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के विधायक को भी बुलाया था, आरोपियों को भी बुलाया था, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, उनको बुलाया था, साइलेंट एक मिनट। देखिए, उनको बुलाया था, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी मौजूद। उनसे क्या बातचीत हुई डीसीपी साहब की, वो सिर्फ वही जानते हैं, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी। अब मेरे से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आपसे क्या बातचीत हुई, वही सना के मुतालिक ये बात हुई है, कब गई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है, और घर से कौन से तारीख को गई, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या हुआ। अब ये तो सब प्रकरण को आप जानते हैं, बाकी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं फरियादी हूँ उसकी माँ, और ये जो अभी हिना के मसले को लेके, मामले को लेके हनी ट्रैप से जो ये किया जा रहा है, तो मैं नाम लेना चाहूँगी, आज तक न्यूज़ के शम्स ताहिर जिसने एक घंटे की वारदात को अंजाम दिया है, और उसमें उसने कहा है कि सना खान और अमित ये दोनों जो है वो मिलकर व्यापारियों से, नेताओं से या जिसको भी ब्लैकमेल करते थे, और उसका उसके पास 10 या 12 सिम थे और करोड़ों रुपए जो उससे कमाए। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि ये न्यूज़ उसको किसने दिया? फरियादी मैं हूँ, क्या वो मेरे पास पूछने आया था? आप लोग मेरे पास आए थे, इस मैंने आपको ये बताया कि सना के पास में 10 से 12 सिम थे, या कोई पुलिस वाले छोटे पदाधिकारी से लेके सीपी साहब ने आपको ये कहा
किसी डीसीपी, किसी एसीपी, किसी पीआई मैडम ने आपसे ये कहा कि उसके पास 10 से 12 सिम थे? नहीं। दूसरी बात, वो अगर वहाँ बोल रहा है कि ब्लैकमेल करती थी, उसके पास करोड़ों रुपया है, तो आज मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 21 लाख रुपए की कर्जदार हूँ, जिसमें 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं आईसीआई बैंक से हूँ, 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं हमने मकान ली हूँ 32 लाख का, उसका मुझे देना है, 2.5 लाख की कर्जदार मैं जो हूँ बैंक ऑफ इंडिया में मेरी ज्वेलरी रखी है, अगर जिसकी बेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपया आता है, वो हनी ट्रैप में अगर शामिल थी, तो फिर मैं 21 लाख की कर्जदार कैसे? मेरे पास प्रूफ है। तो इस मसले को, हनी हीना का मर्डर हुआ है, उसकी अभी तक के डेड बॉडी नहीं मिली है, और डेड बॉडी नहीं मिलने के बावजूद हमारे घर को हम किस कैसा फेस कर रहे हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं, और उसके बावजूद आज हमको समाज से सामना पड़ रहा है। जब आपके द्वारा सोशल मीडिया का सहयोग रहता है, मीडिया का सहयोग रहता है, पत्रकार मीडिया का रहता है, तो एक अच्छी खबर, एक सच्ची खबर जो है समाज में जाना चाहिए। मैं भी पॉलिटिकल हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, तो ये बात समाज नहीं जाते हुए लोगों तक के अगर गलत बात जाती है, हनी ट्रैप की बात जाती है, तो हम समाज से कैसे फेस करें? आपकी पुलिस से क्या डिमांड है? देखिए, पुलिस अपनी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, उनका हर तरह से सपोर्ट है। मैं अमितेश कुमार जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ, वो अपने लेवल पे पूरी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो जो इस शक के दायरे में है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, महाबली हो, चाहे वो विधायक हो, सबको बुला के पूछा जा रहा है, और ये सबके साथ ये बोला गया है कि आपके साथ इंसाफ होगा। बाकी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी पूछना है, मैं जो बोलती हूँ उसका एक एक वर्ड जो है आप दिखाएंगे, और अगर पत्रकार मीडिया है तो वो छापेंगे, उससे ज़्यादा या कम अगर दिखाया गया, छापा गया, तो मैं लीगल नोटिस सबको दूंगी। मैडम, आपको यहाँ पे बुलाया गया था पुलिस ने, क्या खुद होके यहाँ पे आई जी? कांचास फास्ट फूड, मोस्ट फेमस एंड बेस्ट चाइनीज फास्ट फूड सेंटर ऑफ चंद्रपुर, बेस्ट स्टेज, आउटडोर एंड इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट, बेस्ट सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। वी ऑफर वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, वेज चिली, चिली चना, चिली पनीर, वेज नूडल्स, हाका नूडल्स, शेजवान नूडल्स, कॉकटेल राइस, पनीर राइस, शेजवान राइस, फ्राइड राइस, अवेलेबल फॉर होम डिलीवरी, मैरिजेस एंड ऑल अदर पार्टीज। कांचास फास्ट फूड, अपोजिट गवर्नमेंट ITI, नियर वरोरा नाका, सिविल लाइन्स, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 7722008812। साल 2021 के लिए गुरुवार को 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, जबकि पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये सम्मान पाने वाले अल्लू पहले तेलुगु एक्टर हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सैनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस अवार्ड सेरेमनी में कई फिल्मों को एक से अधिक अवार्ड मिले। फिल्म RRR को कुल 7 अवार्ड मिले। गंगूबाई काठियावाड़ी और सरदार उधम को 5-5 अवार्ड मिले। वहीं द कश्मीर फाइल्स ने 2 अवार्ड अपने नाम किए। दिसंबर 2021 में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज में अल्लू ने अर्जुन का कैरेक्टर डाका। फिल्म में अल्लू एक मजदूर बने हैं जिसकी ख्वाहिशें किसी राजा की जैसी हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन आम जिंदगी से जुड़ी थी, जिसे अल्लू अर्जुन ने बखूबी निभाया। फिल्म के गाने भी काफ़ी पसंद किए गए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 332 करोड़ रुपए की कमाई की थी।